गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 209 पे दिए गए हैं। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इसे हम आई से दिखाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं, और V का क्या फॉर्मूला होता है भाई, V इज इक्वल टू W बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट्स हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़े थे सर्किट सिंबल्स। सर्किट सिंबल्स, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा था, इसमें था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर। उसका सिंबल कैसे था भाई, उसका सिंबल था सर ऐसे, रेजिस्टर और फिर ऊपर से इस तरीके का एरो, ये था रियोस्टेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट था वायर जॉइंट। वायर जॉइंट को कैसे दिखाते हैं, वायर जॉइंट था ऐसे, दो वायर ये मिल गए, और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग को कैसे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं हम ऐसे, ये क्रॉस तो कर रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा है, ऐसे ऊपर से निकल गया। ये था वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग का। वायर जॉइंट क्या था, ये था, और ये था वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। उसके बाद हमने देखा था बच्चों एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में। एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है डिवाइस के। इसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम बाबा ने क्या बताया, सर अब तो ये रटा गया है। ओम बाबा ने बताया कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो उसमें जा रहा होगा। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो उसके थ्रू पास हो रहा होगा। तो वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ हमने एक नई चीज़ देखी, रेजिस्टेंस। क्या नई चीज़ थी, वो रेजिस्टेंस थी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस हर डिवाइस का अलग अलग होता है। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या हो जाती है, ओम। तो यही तो पढ़ा है हमने अभी तक, देख लो ये समरी है अभी तक के हमारे चैप्टर की जो हमने पढ़ा है। ठीक है, चाहो तो इसे नोट कर लो, चाहो तो बस रहने दो, इतना हमने अभी तक पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हर चीज़ समझने देती है बच्चों, तो क्या इसीलिए हमारे जो वीडियोस हैं, वो जो लेक्चर्स हैं, वो थोड़े से लंबे बनते हैं। एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर जब तुम रिवाइज़ करोगे तो ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, पहली बार टाइम लगता है। अब पहली बार ही अगर मैं भगा दूँ तो फिर समझ में थोड़ी ना आएगा। तो देखो, हम इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 209 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वन है, ऑन वॉट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस। ये कचरे वाली गाड़ी आगे रोज परेशान करती है। ऑन वॉट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऑन वॉट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। चलो बताओ क्या आंसर होगा।
किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है? अभी थोड़ी देर बोलूंगा नहीं मैं, इसे बोल लेना तो ठीक है। अपने जो लास्ट के दो वीडियोस थे वो यही तो थे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किन पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। सर रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, और सर और कहाँ डिपेंड कर रहा है? नहीं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहाँ पे डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर ले रहे हो? कॉपर ले रहे हो तो रेजिस्टिविटी अलग, आयरन ले रहे हो तो अलग, एल्यूमिनियम ले रहे हो तो अलग, सिल्वर ले रहे हो तो अलग। समझ में आई बात? फोर्थ, रेजिस्टिविटी एक और चीज पर डिपेंड करती है, समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो इसे। समझ में आया कि सर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल पे, और टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Will current flow more easily through a thick wire or thin wire of same material? When connected to same source, why? चलो क्वेश्चन समझो और फिर सोचो कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ो अच्छे से, समझो। विल करंट फ्लो मोर इजीली, कब करंट आसानी से फ्लो होगा? थिक वायर में फ्लो होगा आसानी से, या थिन वायर में, मोटे वायर में आसानी से फ्लो होगा, या पतले वायर में? और क्यों? इस पे हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, पता है तुम्हें आंसर? देखो थिक वायर का मतलब है एरिया ज्यादा, मोटा वायर है, और थिन वायर की बात करें अपन तो उसका जो एरिया है पतला वायर वो कम रहेगा। अगर एरिया ज्यादा हो गया बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। तो अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस
कम, रेजिस्टेंस जितना कम उतना आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। तो हम बोलेंगे कि थिक वायर का एरिया ज़्यादा होता है इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उसमें करंट फ्लो इजीली कर जाएगा। तो हम बोलेंगे थिक वायर इज लेस रेजिस्टेंस सो करंट विल फ्लो मोर इजीली इन थिक वायर। मोटे वायर में ज़्यादा आसानी से करंट फ्लो हो पाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है किसके मुकाबले? थिन वायर के मुकाबले। पतला वायर मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो अपनी बड़ी डिवाइसेस होती हैं जैसे टीवी, एसी, इन सब के फ्रिज वायर जो होते हैं ना, बहुत मोटे मोटे से वायर होते हैं। मोटे वायर क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो कराना पड़ता है, तो हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मोटे वायर में आसानी से करंट फ्लो कर जाता है। ऐसे ही जो जैसे माइक का वायर है तो ये कितना पतला है, चार्जर का वायर कितना पतला होता है। लेकिन वहीं देखो तुम आजकल जो जैसे वन प्लस का जो चार्जर आता है या उसे क्या बोलते हैं हम, फास्ट चार्जिंग जिसे बोलते हैं, तो उनके वायर मोटे होते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ज़्यादा करंट भेजना होता है, जब भी तो फ़ोन तेज़ी से चार्ज होगा, इसलिए उनके वायर मोटे होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना, नोट कर लो। आज तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए कचरे वाले, नहीं पढ़ाने देंगे अंकुर सर को। रोज़ रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का मजा लेने दे रहे हैं। चलो फोकस करो। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस constant, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two cells across the two ends decreases to half of its former value। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बस तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, केवल तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वरना इसका सॉल्यूशन एक लाइन का है, समझ में आना चाहिए बस। What change will occur? What change will occur? In the current through it, what change will occur in the current through it? चलो पढ़ो क्वेश्चन, समझो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। 1, 2, 3। अब मैं बताता हूँ, देखो। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है ना, जैसे टीवी, मोबाइल या बल्ब, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ये बोल दिया उसने। अब उसने बोला व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, यानी कि अक्रॉस इट्स टू एंड्स, यानी कि इसके अक्रॉस, इसके दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इसके दो एंड्स के अक्रॉस, इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, decreases to half of its former value। former मतलब पहले वाली, मतलब सर जो potential difference था ना, पहले अगर V था तो अब decrease होके V by 2 हो गया, अगर V था तो decrease होके V by 2 हो गया, resistance उतना ही है। तो बताओ current के साथ क्या change होगा? हमें ये बात पता है, ओम बाबा बोल के गए हैं, किसी भी device के across जो V है वो directly proportional I है, तो V अगर V by 2 हो गया, V अगर आधा हो गया तो I भी
आधा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम लिखेंगे करंट विल ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, इट्स फॉर्मर वैल्यू। अगर वोल्टेज हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा, वोल्टेज डबल हो जाता तो करंट भी डबल हो जाता। समझ में आई बात? नोट कर लो, ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सही में बता रहा हूँ, इसे पता चल गया है कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है बच्चों की, यहीं गाड़ी घुमा रहा है, एक नहीं पढ़ने देंगे, घर में की छुट्टियों में कैसे पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड वाई आर कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉयज रादर देन प्योर मेटल। ठीक है, क्वेश्चन समझो। अब मेरी बात सुनो, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस चीज़ को मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया है इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट कि भाई जो हीटिंग डिवाइसेज होती है, हीटिंग डिवाइसेज जैसे हीटर, गीज़र, जो आयरन होती है हमारी, प्रेस जिसे हम बोलते हैं, जो ये हीटिंग डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से हीट बनाती है, इनके जो वायर होते हैं ना बच्चों, ये मेटल के नहीं बनते, ये कॉपर या एल्यूमिनियम इनके नहीं बनते हैं, ये बनते हैं एलॉयज के, ये बनते हैं एलॉयज के और मेटल के नहीं बनते हैं। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों है, ठीक है ना, ऐसा क्यों है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है जैसे टोस्टर्स, टोस्टर जो ब्रेड के टोस्ट बनाती है ना, सैंडविच मेकर जिसे हम बोलते हैं, आयरन्स, प्रेस आर मेड ऑफ एलॉयज रादर देन प्योर मेटल। एलॉयज के क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइसेस होती है ना, कितनी गर्म हो जाती है बच्चों, कितनी ज़्यादा गर्म, क्यों हमारे, मतलब तुम सोचो कि सैंडविच बना देती है, या कपड़े कितने गर्म हो जाते, कितनी ज़्यादा गर्म होती है वो। तो अगर हम प्योर मेटल यूज़ करते हैं ना, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जबकि एलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, वो बहुत आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो, एलॉयज आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। तो तुम सोचो कि हम ऐसा वायर लगाएंगे जो बीच में मेल्ट होकर टूट जाएगा, या ऐसा लगाएं जो मेल्ट नहीं होगा, तो हम ऐसा वायर लगाते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से बर्न नहीं होता है, और ये प्रॉपर्टी एलॉयज के वायर में होती है। क्लियर है क्या बात? तो हम ये बोलेंगे बिकॉज एलॉयज डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज या बर्न। ऑक्सीडाइज का ही एक और नाम है बच्चों, बर्न, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज ये वर्ड हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब है बस बर्न। बिकॉज एलॉयज डू नॉट गेट बर्न ईजीली एट हाई टेम्परेचर। इतना सा आंसर है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एलॉयज को हम हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये बर्न नहीं करता है, दूसरे वायर तो बर्न कर जाते हैं, क्या और टेम्परेचर बढ़ते से टूट गए बेचारे, लेकिन ये बर्न नहीं करता है, वायर जलता नहीं है, ये चलता है, जलता नहीं है, ठीक है, हैवल्स का हेड आता है ना, तो एलॉयज
एलॉयज की प्रॉपर्टी यही होती है कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट या बर्न नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम हीटिंग वाले डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना, जैसे तुम देखोगे कि अपने जो वायर होते हैं वो तो कॉपर के होते हैं, ब्राउन ब्राउन वायर अगर तुम उसे छील के देखोगे, लेकिन जैसे जो हीटर होता है जिसके अंदर ऐसे 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 लिपटा हुआ वायर रहता है, वो ब्राउन नहीं होता है, वो सिल्वरिश टाइप का होता है, ग्रे टाइप के कलर का होता है। सर उसे कॉपर से क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि कॉपर अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे आएगा तो बर्न हो जाएगा, लेकिन जो वो एलॉय है वो बर्न नहीं करता है। समझ में आई बात? ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। तो देखो ये तुम्हें गीवन है, गीवन रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁸ और रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 94 × 10⁻⁸ ohm meter। ठीक है ना, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। आयरन और मर्करी में ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है? और ये तो मैं दे रखा है, दोनों की रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो मुझे ये बात पता है, हमने वो टेबल डिस्कस करी थी, याद करो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सर जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो उतना बेकार कंडक्टर। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टर अच्छा थोड़ा ना होगा, करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस, इसका मतलब उतना अच्छा कंडक्टर। सर जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा और उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो किसकी है कम रेजिस्टिविटी? आयरन की के मरकरी की? सर आयरन देखो 10⁻⁷ तो दोनों की सेम है, 10⁻⁷ दोनों की सेम है, यहाँ कंपेयर करना, ये 94 है ये 10 है, तो किसकी कम है? आयरन की। तो हम ये बोल देंगे कि रो ऑफ आयरन इज लेस देन रो ऑफ मरकरी, हेंस आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी, हेंस आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। यानी कि सर आयरन की रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना, नोट कर लो। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, नोट कर लो, ये है अपना आंसर। देखो फिजिक्स में आंसर बहुत छोटे से रहते हैं, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना, तुम दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार तुम सारे क्वेश्चन देख लोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर सामने वाला कितना भी घुमा दे तुम घूमोगे ही नहीं। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से कर लोगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत आसानी से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Which material is the best conductor? Which material is the best conductor? Sir, जिस material की resistivity सबसे कम होगी वही है best conductor। किसकी होती है सबसे कम? सबसे कम होती है silver की।
उस टेबल में देखो सबसे ऊपर सिल्वर है, सबसे कम सिल्वर की रेजिस्टिविटी है, तो हम बोलेंगे सिल्वर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लो, व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन कंडक्टिंग वायर्स। भाई अगर सबसे अच्छा कंडक्टर है तो कंडक्टिंग वायर में इसे क्यों नहीं यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे सिल्वर की सबसे, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है और ये कंडक्टिंग वायर में क्यों नहीं यूज होता है, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। समझ में आई बात? अच्छा देखो, अभी हम इसलिए डेली में वीडियोस भी पुटअप कर रहा हूँ कि ये टाइम ऐसा है जिसमें एक सब्जेक्ट अभी अगर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया तो बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी इजीली फोकस कर सकते हो। वैसे ही हम पूरा दिन कुछ कर ही नहीं रहे, तो एक 30 मिनट्स की वीडियो देख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ज़्यादा कुछ अपना जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस कर लोगे बाद में बहुत एडवांटेज होगा, एक सब्जेक्ट की टेंशन सीधे ख़त्म हो जाएगी। और अपने फिजिक्स में है ही क्या, 4 चैप्टर हैं, मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर हैं, वो भी डिपेंड करेगा। अभी हो सकता है कि भाई सिलेबस वापस से पहले की तरह डिलीट हो, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आया था पिछले साल भी, इसलिए इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल का सेशन भी ऑनलाइन हुआ है, तो क्या पता क्या हो। लेकिन ये तो गारंटेड है कि भाई अभी अगर अपन पढ़ लेंगे तो एक सब्जेक्ट से तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो रेगुलरली वीडियोस देखना, और जो भी डाउट है वो कमेंट करो ताकि मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर पाऊँ। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड में आते जा रहे हैं हम अब सेट चैप्टर के, मुश्किल से 4 या 5 वीडियोस और बाकी हैं, ठीक है ना। चलो बाय।